बिहार पुलिस ने गबन मामले में फरार चल रहे डॉक्टर पॉल एंड स्किन क्लिनिक के मालिक डॉक्टर विजय पॉल को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आरोपी डॉक्टर अभिजीत पॉल फरार चल रहे हैं। गिरफ्तार डॉक्टर विजय पॉल डॉक्टर अभिजीत पॉल के भाई हैं और वो भी इस मामले में आरोपित हैं। इस मामले में दोनों डॉक्टर भाई समेत कुल 6 लोग आरोपी बनाए गए हैं। इनमें डॉक्टर अभिजीत की पत्नी सुप्रिया पॉल, अभिजीत के पीए अनूप कुमार बोस समेत अन्य लोग शामिल हैं। ये चारों अभी भी फरार चल रहे हैं। जी, इस खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्या है ये पूरा मामला? देखिए कमरा, ये 420 का मामला है। डॉक्टर पॉल एंड स्किन क्लिनिक के मालिक डॉक्टर विजय पॉल को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है और सड़क मार्ग से पटना लाया जा रहा है। अभी पटना भी पहुंचे नहीं है। पटना आने पर जो पुलिस पीसी करेगी उसके बाद में कुछ क्लियर हो पाएगा। लेकिन जहां तक ये मामला है, जो जानकारी मिल रही है, डॉक्टर विजय पाल और डॉक्टर अभिजीत पाल दोनों भाई हैं जो नागेश्वर कॉलोनी में रहते थे। दोनों भाई मिलकर पॉल्स मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई थी। अभिजीत से चूंकि जयमाता दी इन कॉरपोरेशन के डायरेक्टर देव ज्योति की दोस्ती थी और कंपनी फ्रेंचाइजी के नाम पर काफी सारे पैसे देव ज्योति ने इन्हें दिए थे। 2013 में इन दोनों के बीच में रिटन एग्रीमेंट हुआ था। ब्रांडिंग और कंपनी के डेवलपमेंट पर देव ज्योति ने 4 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन इन लोगों की दोस्ती जम नहीं पाई और इन लोगों का करार टूट गया। लेकिन 2018 में एक नया एग्रीमेंट इन लोगों के बीच में बना, पूरा हिसाब किताब जब हुआ उसके बाद में, जिसमें कारोबार से देव ज्योति ने अपने आप को पूरी तरह से हटा लिया और इसके बाद जो हिसाब हुआ उसमें 1,61,00,000 रुपए डॉक्टर अभिजीत पाल और उनके भाई को देना था, देव ज्योति को लौटाना था, लेकिन नहीं लौटाए। आखिरकार ये देव ज्योति कोर्ट के शरण में जाना उचित समझे और उन्होंने 2019 में बुद्धा कॉलोनी थाना में 6 लोगों के खिलाफ FIR किया था। हालांकि इस FIR के अगेंस्ट में जो पॉल हैं, पॉल एंड ब्रदर्स हैं, ये लोग सिविल कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी गए थे, लेकिन कोर्ट से इन लोगों का एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दिया गया। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में जमानत तो मिल गई, लेकिन जो ये लोग बेल बॉन्ड ये लोग जो भरे, जो बेलर जिन लोगों को बेलर बनाया गया था, वो लोग फर्जी निकला। तो एक तो 420 का केस चल ही रहा था, उसके साथ साथ एक फ्रॉड बेलर का भी केस इन लोगों पर दर्ज हो गया। तो कुल मिलाकर के ये कंपनी का मामला है और इसमें खगैती का मामला है, मतलब कि पैसा गबन का मामला है, पैसा हेरा फेरी का मामला है। और इस केस में अभिजीत की पत्नी सुप्रिया पॉल भी शामिल है। इस जो केस किया गया है, जो अभियुक्त बनाया गया है, उसमें सुप्रिया पॉल भी है, अभिजीत के पीए भी हैं अनूप कुमार बोस और कंपनी के जो डायरेक्टर हैं ज्ञाना दास, ये सभी लोग इसमें शामिल हैं और ये लोग फरार चल रहे हैं। बहरहाल अभी जब कोलकाता से जब पटना पुलिस डॉक्टर को लाएंगे, उसके बाद में पुलिस ये क्लियर कर पाएगी कि पूरा क्या मामला है और इसकी आधिकारिक पुष्टि हो पाएगी। जी मनोज जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया, हम बने रहेंगे आपके साथ इस खबर पर। तो आपको बता दें कि बिहार पुलिस ने गबन मामले में फरार चल रहे डॉक्टर पॉल एंड स्किन क्लिनिक के मालिक डॉक्टर विजय पॉल को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें बिहार लाया जा रहा है।